पहले डोजियर भेजना, पहला डोजियर भेजना, दूसरा डोजियर भेजना, मुझे याद है मीडिया में खबर इसी तरह से बनती थी, आज सौंपा तीसरा डोजियर, जैसे डोजियर नहीं सौंपा, पिन निकाल के हैंड ग्रेनेड सौंप दिया है, उसी को बड़ा बना के बताने की कोशिश होती थी। आज क्या अंतर आया है कि आज हम नहीं कुछ करते हुए दिखते हैं, फिर भी हमारे शत्रु दहशत में रहते हैं, भय में रहते हैं, कोई दृष्टता करने की हिमाकत नहीं करते। देखिए, जिस समय हमला होता है ना, उस समय सॉफ्ट डिप्लोमेसी काम नहीं करती। हमारी डिप्लोमेसी कैसी थी, आपने हमारे ऊपर हमला किया, हम आपकी निंदा करते हैं, आपने और एक बार हमला किया तो कड़ी निंदा करते हैं, आपने तीसरे बार हमला किया तो कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। हम निंदा करते रहे, डोजियर देते रहे। मोदी जी ने हमारे इस नजरिए को बदल दिया और मोदी जी ने कहा हम पर हमला करेंगे तो घुसकर मारेंगे, और हमारी फौजों ने घुसकर मार के दिखाया। हमारी फौजें अंदर गई, हमारी फौजें अंदर घुसकर हमारी फौजों ने ये दिखाया कि अब हम वो नहीं है। और उतना ही नहीं है, केवल ये पाकिस्तान की बात नहीं है। देखिए, डोकलाम के समय हमारी फौजों ने चीन को भी जिस प्रकार से रोका है, एक नया भारत है। हमारी फौजों में ये ताकत हमेशा थी। उरी के बाद बालाकोट, हाँ नहीं, ये देखिए हमारी फौज में ये ताकत हमेशा थी, लेकिन जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उसमें हिम्मत नहीं थी। वो पॉलिटिकल लीडरशिप डर जाती थी, कभी अमेरिका के दबाव में, कभी किसी और के दबाव में, कभी इंटरनेशनल कम्युनिटी के दबाव में। ये सारी जो बातें चलती थी ना, मतलब एक बार अटल जी ने जैसे कहा था कि चीन चीन देश का गुलाब ले गया, ताशकंद में वतन का लाल सो गया, हम सुलह की शक्ल संवारते रहे और जीत जीत करके बाजी हारते रहे, इस प्रकार की अवस्था हमको ये दिखाई पड़ती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब परिस्थिति ऐसी है कि हमारी सरकार ने दुनिया में और विशेष रूप से हमारे पड़ोसियों के सामने ये प्रतिमा बनाई है कि इनसे उलझना ये अब आसान काम नहीं रहा। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है।